हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे गाइस, और बहुत बढ़िया रहना भी है। तो गाइस यार, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेकर के, और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं BGMI में फास्ट लैंडिंग कैसे करें। जिनको पता है वो तो भाई जब फास्ट लैंडिंग कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता है वो लेट में उतरते हैं, लूट नहीं कर पाते हैं, सामने वाला एनिमी उनसे पहले उतर करके लूट कर लेता है और उनको मार देता है, और कभी कभी तो कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं ये सारे बंदे कि भाई मेरे से पहले कैसे उतर गया, हैकर वगैरह है क्या। नहीं भाई, हैकिंग वगैरह नहीं है, ये सारा सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक पे फॉलो करता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सारे मैप में आप बहुत जल्दी उतर जाओगे, मैं सारे मैप को आज कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कितने मीटर पे आप उतरोगे जल्दी आप लैंड कर पाओगे, और एनिमी से जल्दी लैंड करने का मतलब कि आप जल्दी लूट करोगे और एनिमी पे किल कर जाओगे। तो गाइज यार, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। उससे पहले अगर कोई भी बंदा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरी देखना। चलो फिर चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे, लेट्स गो। तो गाइज यार, हम लोग आ चुके हैं लॉबी स्क्रीन पे, और लॉबी स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको मैप ओपन करना है। मैप ओपन करने के बाद आपको प्लेन का जो लाइन है ना, उसको देखना है कि भाई किधर किधर से जा रहा है, किधर आप जंप करना चाहते हो। पहले आप अपना वो कंफर्म कर लो कि आपको उतरना किधर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया तो रोजोक पे है, लेकिन मैं उतरना चाहता हूँ स्कूल पे, तो मैं अभी लोकेशन चेंज करूँगा क्योंकि स्कूल ज़्यादा पास पड़ेगा मेरे लिए। तो मैंने स्कूल पे लगा लिया, ये अपना कंफर्म रखो हमेशा लोकेशन की, आपको उतरना कहाँ है। आपने सबसे पहले मार्क लगाना है, मार्क लगाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और देखते रहना है। भाई मैं बताता हूँ अभी पूरा आप लोग को क्या करना होगा। प्लेन चलती जा रही है, चलने दो, बहुत हैवी लेवल के बंदे आ गए यार, 42 RP के। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो जंप का भी ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अभी जंप नहीं करना है, मैं बताऊँगा कब आप लोग को जंप करना है। तो भाई शाह पूरी देखना वीडियो को, तभी एक एक चीज़ समझ में आने वाला है। तो मैंने मैप ओपन करके देख लिया, अभी 2000 मीटर है। तो सबसे पहले आपको मीटर कहाँ से देखना है, मीटर आप ऊपर से देखो, आपको ये मैप बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको 700 से लेकर के 750 के मीटर रेंज में आपको जंप ले लेना है। जैसे ही 700 या 750 के बीच में आओगे तुरंत आपको जंप ले लेना है। जंप लेने के बाद अपने जॉयस्टिक को यहाँ 130 डिग्री पर रखना है, अपने कैरेक्टर को पूरा नीचे की तरफ उसका फेस कर देना है, ठीक है, फेस उसका पूरा नीचे की तरफ होना चाहिए। और मैप में आपको देखना पड़ेगा कि आप सही तो जा रहे हो ना, कहीं क्या पता अपोजिट तो नहीं जा रहे हो। तो मैप में भी आप एक बार देख लेना कि आप सही पे जा रहे हो ना, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे हो। अगर आप सही जा रहे हो तो भाई सही है, आप यही ट्रिक आपको फॉलो करना है। 130 डिग्री पे जॉयस्टिक रखना है, कैरेक्टर को पूरा नीचे की तरफ रखना है। 700 से लेकर के 700 मीटर पे आपको जंप ले लेना है। उसके बीच में भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई आप 700-800 के रेंज में भी जंप लोगे, थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये सबसे एक मिनिमम मैंने टाइम बताया है जिससे आप बहुत जल्दी आ पाओगे। तो देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे लैंड कर चुका हूँ और बंदे अभी को उतर रहे हैं। मैं चाहता तो यहाँ पे लूट करके आराम से इजी किल कर सकता था, उसको हवा में भी मार सकता था, लेकिन यार मैं हवा में नहीं मारना था, मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस यार, इस ट्रिक को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ हर मैप में खेलने लगोगे तो आपका हैबिट भी बन जाएगा और आप जल्दी से जल्दी लैंड जाओगे और आपसे पहले एनिमी नहीं उतर पाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं कैराकिन मैप में। कैराकिन मैप में हम लोग को जल्दी कैसे उतरना है, उसका मीटर रेंज अलग है, सारे मैप्स का लगभग अलग ही है। मैं बताता हूं इसमें कैसे उतरना है। सबसे पहले तो देख सकते हैं हम लोग लॉबी स्क्रीन पे हैं, और इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले तो अपन को मार्क लगाना है, तो मैंने यहाँ पे मार्क लगाने के लिए लगा रखा है पहले से ही। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे मेरे को कहाँ पे उतरना है, तो फिर वही चीज़ करना है आपको, ऊपर में फॉलो करना है मीटर को कि आप किस रेंज में जा रहे हो। इसका मीटर अलग है, इसमें आप लोग को 350 से लेकर के 400 मीटर पे जंप ले लेना है। उससे पहले या उसके बाद लोगे तो लेट हो जाओगे। तो गाइज यार, 350 से 400 मीटर पे जंप लेने के बाद आपको अपने जॉयस्टिक को 130 डिग्री पे रखना है। 130 डिग्री पे रखने के बाद अपने करेक्टर को नीचे की तरफ रखना है, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस पैराशूट मेरा खुल चुका है, और मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ आई रोटेट करके कि मैं यहाँ पे सबसे पहले उतरा हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं उतरा है। तो देख लो गाइस यार, मेरे यहाँ पे लैंड कर गया, और अभी बहुत सारे बंदे ऊपर में ही है, देख लो कितने लेट में उतर रहे हैं, और मैं यहाँ पे सबसे पहले लूट लिया। लूटने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस, उतरते ही सबसे पहले मेरे को गन मिल गया, और यहाँ पे एक बंदा मेरे पर अटैक कर गया और मैं इजी उसको किल कर गया। अब सोचो भाई, मैं लेट में उतरता तो ये मेरे को इजी किल कर देता, लेकिन नहीं यार, मैं जल्दी उतर गया, गन भी मिल गई और मैंने इसको इजी किल कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिविक मैक में। लिविक मैक में हम लोग को कितने मीटर रेंज पे उतरना है, तो गाइज यार वीडियो को पूरी देखते रहना, तभी समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग लॉबी स्क्रीन पे, और फिर से वही काम करना है, आपको पहले मार्क रोटेट कर लेना है, आपको पहले मार्क लगा लेना है अपने मैप में कि आपको उतरना किधर है। मार्क लगाने के बाद आपको ऊपर की तरफ फॉलो करना है कि आपका मीटर कितने रेंज पे भी चल रहा है। जैसे ही आपका मीटर आता है 450 से लेकर के 500 के रेंज में, तो आपको जंप ले लेना है।
450 से 500 की रेंज में आपको जंप ले लेना है। जंप लेने के बाद अपने करेक्टर को नीचे की तरफ जॉयस्टिक 130 डिग्री रखने के बाद आपको मैप में देखते रहना है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। तो गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो मैं फास्ट लैंडिंग कर रहा हूँ जितना हो सके फास्ट। तो भाई यहाँ पे देख लो मैं सबसे पहले यहाँ पे उतर गया हूँ, अभी तो कोई बंदे नहीं उतरे, मैं यहाँ पे उतर करके आराम से लूट कर सकता हूँ। तो देख लो गाइज अभी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं नीचे और मैं कितनी जल्दी उतर चुका हूँ। तो गाइज यार इस मैप में आपको समझ में आ गया होगा कितने भी रेंज में उतरना है। तो गाइज यार सैनक और मीरामार का मैं नहीं बताया क्योंकि सैनक मीरामार एरेंगल तीनों का रेंज सेम है, 700 से लेकर के 750 मीटर के रेंज में आपको जंप लेना है, मीरामार में भी और सैनक में भी अगर आप वो मैप खेलते हो। तो गाइज यार क्या आपको ये पहले से पता था? अगर नहीं पता तो अब आप को पता चल चुका है। तो गाइस यार इस ट्रिक को फॉलो करो और आप भी फास्ट लैंडिंग करो और फास्ट लैंडिंग करने के बाद फास्ट लूट करो, लूट करने के बाद इजी किल करो और रैंक पुश करो। तो गाइस यार कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और अगर कोई भी बंदा चैनल पे नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग ऐसे ही BGMI की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तो गाइस यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार चैनल पे नए हो तो। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।